Hello everyone, my name is Raman Luthra and welcome to Banks Exam Today official YouTube channel. आज हम SCI accounts की बात फिर से लेकर आए आपके लिए और हम auditing को cover करेंगे. आज auditing के कुछ MCQs को देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे explanation provided है हमारी SCI के accounts के mock test की series के अंदर. ठीक है, हाँ तो हम पहला question आज का करते हैं. एक question करने से पहले बात करते हैं कि auditing के अंदर किस type के question आ सकते हैं. मैं जितना मुझे लगता है कि ऑडिटिंग के अंदर बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, ऑडिटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, ये इन सब के अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है बट चांसेस कम है. मतलब आपको उसके क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की नंबर, एसे का नंबर और उसकी हेडिंग पता हो उतना काफ़ी है, उसको इन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और इसके साथ साथ ऑडिटिंग के लिए बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स जो कंपनी एक्ट का है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है, हाँ तो उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन डिजाइंड है और अब हम जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. क्वेश्चन नंबर वन, मिस्टर ए ऑडिटर एंड मिस्टर बी फाइनेंस मैनेजर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड आर फ्रेंड्स. ठीक है बेटा, हाँ मिस्टर ए प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज एंड डायरेक्शन ऑफ मिस्टर बी. जो मिस्टर बी बोलता है, मिस्टर ए कहता है हाँ वैसी रिपोर्ट मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, बस आप मेरे को ऑडिट दे दो और मेरे को आप पैसे दे दो. इन दिस सिचुएशन विच असेंशियल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज. मतलब जो एक मतलब क्वालिटी होती है ऑडिट की और ऑडिटर की, वो कौन सी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया. ए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है बेटे उसको काम ही नहीं आता. सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंस मतलब वो अपना सोच के काम नहीं कर रहा, वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, जो कि इस सिचुएशन में तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंस. बेटे वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जो बी बोलता है वो कर लेता है. सी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म होना कि हाँ मतलब एक अवेयर माइंड होना, आप स्केप्टिक हो अगर कोई चीज हो रही है, आप उसको देख के हाँ भाई इसको एनालाइज करने की मतलब आपकी कैपेबिलिटी है. ठीक है, ड्यू केयर मतलब बेटे ध्यान रखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. ई है ऑडिट सैंपलिंग. ऑडिट सैंपलिंग का मतलब ये है कि जब आप ऑडिट करते हो, आप पूरा का पूरा ऑडिट हर एक वाउचर या वेरिफिकेशन में हर एक चीज को चेक नहीं कर सकते, आपको उसमें से कुछ सैंपल्स निकालने होंगे. सैंपल्स निकालने की भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब सैंपलिंग करने का तरीका ये है कि आप पूरे क्लस्टर में से कुछ ना कुछ आप ऐसे क्या कहते हैं कुछ रैंडम निकाल लो और कुछ मतलब टेक्निक्स लगा के कुछ सैंपल्स निकाल लो. ठीक है जी, हाँ और सैंपलिंग का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा ऑडिट करके और उस पर्टिकुलर सैंपल्स को ऑडिट करके पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने ओपिनियन को देते हैं. ठीक है जी, हाँ इंडिपेंडेंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं. इंडिपेंडेंस दो तरीके होती है, एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कि आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, और एक इंडिपेंडेंस अपीयरेंस में होती है कि क्या पता आप इंडिपेंडेंट हो बट लोग आपको इंडिपेंडेंट नहीं समझते क्योंकि आपका रिलेशन ऐसा है. हम पढ़े इसको, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस अलाउइंग एनी इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में बोला गया कि भाई द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन, वो स्टेट ऑफ माइंड जो आपको परमिट करता है कि आप एक्सरसाइज कर सको क्या इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड की बात की, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड की, आप दिमाग से कितने इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, हाँ दूसरी बात है इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस. अगर मेरे को जीआजी की कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो चाहे मैं इंडिपेंडेंट रह के काम करूँ बट फिर भी जीजाजी की कंपनी है तो मेरा कुछ मैं अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है. हाँ क्योंकि बेटा वो जीजाजी या कुछ भी बोल सकते हैं. इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो इंपॉर्टेंट दैट द थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एंड ऑडिटर्स इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. कोई भी बंदा आ जाए बेटे, कोई भी बंदा आ जाए, मैं उसको बोलूंगा कि मैं अपनी जीजाजी की कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ तो वो सीधा बोलेगा कि हाँ जो जीजाजी ने बोला आपने वैसा ही वैसा ऑडिट रिपोर्ट पर लिख दिया. हमें ये मानना थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप इसमें इंडिपेंडेंट हो. ठीक है जी, बात समझ में आती है. हाँ मतलब हमारे कुछ ऑडिट के अंदर मना किया हुआ है कि आपके मतलब जो आपके रिलेटिव हैं उनका आप ऑडिट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ले दिया है. आगे बात है सेकंड क्वेश्चन, ऑडिटर कंपेयर्स ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर. आई विल अपडेट दिस क्वेश्चन. ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर एंड
एंड इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैज बीन अ फॉल इन द रेशियो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर बेटे फॉल आया है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट. ये इसने क्या किया, ये कोई एनालिटिकल प्रोसीजर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ये वॉक थ्रू टेस्ट है, ये ऑडिटिंग सैम्पलिंग है, ये टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है. ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर है. आपने पिछले कुछ डेटा को कंपेयर करके कुछ एनालिसिस किया. अब ग्रॉस प्रॉफिट के गिरने का ये मतलब नहीं है कि आपके ऑडिट के कुछ ओपिनियंस पे फर्क आ जाएगा, बट आप इंक्वायर करोगे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हुआ है तो उसका रीजन क्या था. आपकी जो सेल्स का जो प्राइस था वो आपको कम करना पड़ा, या आपके जो इनपुट मटेरियल्स थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई. बात समझ में आती है. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के ऊपर जनरली देते हैं, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो उसके रीजंस को आपको एनालाइज करना है. अब आप वो कह रहे हैं कि जो हमारे कंपनी है वो कह रही है कि हमारे इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई. हमारा कॉस्ट, हमारी जो इनपुट थी वो स्टील होती थी. है, आपका इनपुट स्टील होता था. अब आप क्या करोगे, आप स्टील के प्राइसेस को चेक करोगे. पिछले एक साल के अंदर क्या स्टील के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया. आपने देखा कि स्टील के प्राइसेस में इंक्रीज नहीं है, तब आप और इंक्वायर करोगे कि ऐसे कैसे आपके प्राइसेस बढ़ गए. और इन केस अगर आपको उसमें कुछ देखा कि ये स्टील जो परचेज किया गया है ये कहीं ना कहीं से रूआउट होकर आया और एक्सेस पेमेंट करी गई है, तब आपकी जो ओपिनियन होगी वो क्वालिफाइड होगी, मॉडिफाइड होगी. नहीं तो अगर आप देखोगे कि हाँ स्टील के प्राइस एक्चुअल में लास्ट ईयर में बढ़े हैं, आप कहोगे हाँ हाँ परफेक्ट, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, हमारी जो क्या कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, सब ठीक है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में हमें सर थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन बताओ. एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन्स एवेल्यूएशन ऑफ बोथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा. हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो एनालाइज कर रहे हैं उसमें दोनों बातें आती है, एक फाइनेंशियल डेटा जो कि अब जैसे हमने जीपी का एग्जाम्पल लिया, और कुछ नॉन फाइनेंशियल डेटा भी होते हैं. सर नॉन फाइनेंशियल डेटा में बोलो इनकी सैलरी का एक्सपेंस बढ़ गया, ओहो, या फिर वेजेस बढ़ गए. अब मैं कह रहा हूँ ये वेजेस कैसे बढ़ गए. अब आप कंपेयर कर रहे हो कि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में लेके जाओ, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा के अंदर आ जाता है कि आप कितने नंबर ऑफ आपके क्या कहते हैं एम्प्लॉयज आपने कर रखे हैं. उसको हम एनालाइज करेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हुए हैं बट फिर भी आपकी सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया, ये कैसे हो गया. फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि हमने हाइक्स वक्त दिए, वो वक्त दिए, बट ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर काम आता है. ठीक है बेटा. हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो एनकंपास सच इन्वेस्टिगेशन एज इज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप दैट आर इनकंसिस्टेंट. जहाँ पे आपको इनकंसिस्टेंसी दिख गई विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट. जहाँ पे आपको बेटा इनकंसिस्टेंसी दिख गई आप उसको ज्यादा इंक्वायर करोगे और फिर अपनी ओपिनियन को फॉर्म करोगे. अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बेटे क्या होते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं बेटे, कंट्रोल्स जो इन प्लेस है वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स भी एक उसी का पार्ट है, जिसमें आप जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो अगर कोई फ्रॉड होने वाला उसको प्रिवेंट करने के कैपेबल है, उसको डिटेक्ट, अगर कोई फ्रॉड चल रहा है उसको डिटेक्ट कर सके और कुछ करेक्टिव एक्शन ले सके. ठीक है बेटे, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इससे होते हैं. वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है कि आपने कोई क्या कहते हैं पूरे का पूरे प्रोसीजर को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप समझते हो तो उसको वॉक थ्रू टेस्ट कहते हैं. हर एक पॉइंट को आप चेक करते हो. ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैसे इनिशिएट हुई और कैसे वो एंड हुई. ऑडिट सैम्पलिंग हम पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस. एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, क्वेश्चन में कह रहा है ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है. हम रिमूवल की बात कर रहे हैं, ऑडिटर को कहा ओके टाटा बाय बाय, वो कौन कर सकता है. शेयर होल्डर कर सकते हैं, बीओडी कर सकता है, शेयर होल्डर पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, या ट्रिब्यूनल कर सकता है, कौन कर सकता है, या दोनों शेयर होल्डर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल. अच्छा, इसके अंदर क्या बात आई, इसका आंसर है बेटे दो बंदे कर सकते हैं, शेयर होल्डर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर शेयर होल्डर कहते हैं कि हम इसको हटाना चाहते हैं, उसको उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. पहले शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है, फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाने के बाद शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं. मतलब ये पूरा पूरा सिस्टम चलता है. इनके बाद ही आप किसी क्या कहते हैं ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो. और डी पॉइंट आया ट्रिब्यूनल, बेटा सुओ मोटो रिमूव कर सकता है. ट्रिब्यूनल को लगता है ऑडिटर ठीक काम नहीं कर रहा, या तो सुओ मोटो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ऑडिटर बेकार है आप इसको हटा दो. सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे ऑडिटर हटा दो. हैं, पढ़े हम इसके सेक्शन को. एज पर सेक्शन 141 सब सेक्शन 1
The auditor appointed under section 139 may be removed from his order before expiry of his term only by a special resolution of a company after obtaining prior approval of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो तब जाए, बट स्पेशल रेजोल्यूशन अपने शेयर होल्डर पार करते हैं, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। और डी पॉइंट में बेटा, एज पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल इधर सुओ मोटो, बेटा सुओ मोटो खुद, सुओ मोटो अपनी मर्जी से, और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन कंसर्न। इसके अंदर बेटे कंपनी भी आ सकती है, कंपनी से ट्रिब्यूनल के पास चले गई या फिर कोई और बंदा ट्रिब्यूनल के पास चला गया। If it is satisfied that the auditor of a company has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud or in relation to a company or its director or officer, it may by order direct the company to change its auditor. कोई stakeholder या central government या tribunal खुद कहेगी कि बेटा auditor आपका काम खत्म हो गया, bye bye, okay आप निकलो यहाँ से। Question number 4, the auditor of Delicious Sweets Limited was of the opinion that objective of audit of financial statement of a company is to provide reasonable assurance. Auditor कह रहा है कि हाँ मेरे को reasonable assurance दे रहा है financial statement के ऊपर of the company that are free from misstatement, कि उसमें misstatement नहीं होगी। Which type of misstatement are mentioned by auditor of Delicious Sweets Limited? किस type की misstatement होनी चाहिए बेटा? Simple misstatement, material misstatement, easy misstatement, competent misstatement या complex misstatement? बेटे बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ही बेकार क्वेश्चन। हमें हर जगह बताया गया कि कोई मिस स्टेटमेंट होना, हो सकती है मिस स्टेटमेंट, बट 10-20 रुपए की मिस स्टेटमेंट होगी, आपने एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, कोई एंट्री आप ओमिट कर गए, आपके BIRS के अंदर 10-20 हजार का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना आप छोड़ सकते हो, सस्पेंस अकाउंट में डाल के छोड़ सकते हो। ऑडिटर का काम है मटीरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर कॉमेंट करना। अगर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट है और स्टेक होल्डर्स की नॉलेज में लाना जरूरी है, तो वो एक मतलब उसकी ओपिनियन को मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब उसके ओपिनियन में चेंजेस आएंगे फिर, ठीक है। तो उसका काम क्या है, उसको बताने की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डाटा फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इमटेरियल चीजों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अप्लाई करता है बेटे, मटेरियलिटी इज अ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन विद इन ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग रिलेटिंग टू द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एन अमाउंट ट्रांजेक्शन और डिस्क्रिपेंसी। अगर छोटी मोटी लेवल की अमाउंट ट्रांजेक्शन है डिस्क्रिपेंसी है तो ऑडिटर उसको बाईपास करता है, नहीं नहीं इतना तो चलता है, ओके ओके कोई नहीं, नहीं नहीं इतना चलता है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, सर हम बाकी सारे क्वेश्चन आपके FCI की मॉक टेस्ट की सीरीज में जाके करेंगे और हम आपसे और भी डाउट्स अगर पूछेंगे तो पूछेंगे। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूं, जो जो FCI की मॉक टेस्ट की सीरीज ले रहा है, FCI अकाउंट्स मॉक टेस्ट की सीरीज ले रहा है, वो रमन सर से बात, रमनदीप सर उनसे बात कर ले, तो वो मेरे को अपनी डिटेल्स, आप बोल देना कि सर रमनदीप सर अपनी मेरी डिटेल्स रमन सर को शेयर कर दो, तो रमन सर ये आपको मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना, वो मैं आपको आपकी मेल पे दे दूंगा, ताकि आपको इजीली आप मतलब क्या कहते हैं ये PDF दे दूंगा आपकी मेल पे, ताकि आप उसको इजीली गो थ्रू कर सको एक बारी के अंदर सारे के सारे, एक बारी में चैप्टर को कंप्लीट कर सको पूरा का पूरा, ठीक। तो आप ये वाला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है जी। हाँ सर क्वेश्चन 5 बताओ, मैं ज्यादा ज्यादा बातें नहीं करनी। क्वेश्चन 5, डैश इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग the accounting system of a business concern or a factory by which duties of various clerks are arranged in such a way that work of one person is automatically checked by other person. एक कोई काम कर रहा है उसके काम को automatically दूसरा person check कर रहा है, किसी ने कोई entry करी दूसरे बंदे ने automatic उसको check किया, भाई check किया और खत्म। तो इन्होंने कहा कि दोनों सबका इंटीग्रेशन कर दो, इसको क्या बोलते हैं, अगर बेटे यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, दो तीन बंदे एक काम को कोई चेक कर रहा है, तो चांसेस है कि मतलब जो मिस स्टेटमेंट जो मतलब गलतियां होंगी वो बहुत कम होगी। तो इसको बोला क्या गया, इंटरनल कंट्रोल है ये, या ये इंटरनल चेक है, इंटरनल ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, या सेक्रेटरियल ऑडिट है। इसको बोलते हैं बेटे इंटरनल चेक, इंटरनल में आपस में चेकिंग चल रही है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, द प्रोसेस डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय दोस चार्ज विद गवर्नमेंट, बट इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटी ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of asset and compliance with the applicable law. Internal controls ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा internal check is a method of organizing, जो हम ऊपर पढ़ कर आए, is a method of organizing the accounting system of a business or a factory by way of which duties of various clerks are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by others. ठीक है जी, internal audit, बेटा internal audit, auditor appoint करके जो regular basis पे आपका check कर रहा है काम,
an appraisal activity established or provided as a service to an entity. Its functions include, amongst these things, examining, evaluating, monitoring the adequacy and effectiveness of internal control. Internal audit जो हो रही है वो internal controls को check करके हो रही है कि भाई internal controls जो आपने place किए वो अच्छे से काम कर रहे हैं. They are able to prevent, detect and correct any of the अगर कोई हमारा fraud होने वाला हो. Forensic audit बेटा आजकल इसकी बड़ी क्या कहते हैं demand है, काफी सारी इसकी hirings होती है. Forensic audit, accounting and auditing use and investigation skill to conduct investigation. Forensic एसेंशियली एक इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन बेटा थोड़ा रिजिड होता है. ऑडिट के अंदर आप बोलते हो कि हाँ ये फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, आप कहते हो कि हमारे ओपिनियन के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई. इन्वेस्टिगेशन और रिजिड होती है, उसके अंदर और मतलब आपको डीप जाके काम करना पड़ता है. ऑडिटिंग के अंदर आप सैंपल्स ले सकते हो, बट इन्वेस्टिगेशन में सैंपल नहीं है. जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है आपको उसको ढंग से इंक्वायर करना, ढंग से काम करना. Forensic audit uses accounting, auditing and investigating skill to conduct investigation and thefts and fraud cases. In case of thefts and fraud cases, it provides an insight analysis of how fraud occurs within an organization and the latest techniques of finding it. Forensic audit बेटे frauds के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं. Secretarial audit बेटे जो ROC की filing होती है ना, जो आपको फॉर्म MCA पे फाइल करना है, ये उसका ऑडिट होता है. इज अ प्रोसेस टू चेक कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. जनरली सेक्रेटेरियल ऑडिटर बेटे CS कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, टू मेक श्योर दैट द लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद. सेक्रेटेरियल ऑडिट मोस्टली जो CS करते हैं वो अपना MCA पे जो फॉर्म फाइल होते हैं बेटा उसकी ऑडिट होती है. CS वेरी गुड. आज के लिए इतना ही. हम आपको बैंक्स एग्जाम टुडे की ऑफिशियल साइट पे लेके जा रहे हैं, ये रही. और FCI की टेस्ट सीरीज बेटा ये आप क्लिक करो. ओहो बेटा FCI की टेस्ट सीरीज पे हम चलेगा. इसके ऊपर 500 रुपीज का आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है. इसमें 5 ओहो बट ओ कितने सारे अभी अभी बेटा 5 टेस्ट ही रहेंगे. काफी सारे क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर होते हैं. उसमें रेलिवेंट डिसिप्लिन के अराउंड 300 क्वेश्चन होंगे. आपको वो क्वेश्चन अगर मेल पे भी चाहिए टॉप सब्जेक्ट वाइज तो आप रमन सर को बोल देना, वो रमन सर मेरे को आपकी डिटेल ईमेल शेयर कर देंगे और वो आपकी मेल पे आ जाएगा. आज के लिए हम बात खत्म करें, कल हम आपके लिए नया लेक्चर लेकर आएंगे बढ़िया सा. चलो जी, बाय बाय.